Hello guys, welcome to Agriculture Knowledge School YouTube channel. Today we will discuss a very important topic is plant pathology, plant bacteriology. 23 important exam-based questions. So let's start. So first question is: Father of plant bacteriology is uh, A is E F Smith, B is A J Butler, C is casey Mehta, and D is none of the above. So right answer for this question is E F Smith. सेकंड क्वेश्चन इज देट बैक्टीरिया डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नॉन एस बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं तो नंबर ए में बैक्टेफेज नंबर बी साइनोफेज नंबर सी इज बेडेलोवेब्रियो एंड नंबर डी इज एल फॉर्म बैक्टीरिया तो राइट आंसर इज फॉर बेडेलोवेब्रियो so, राइट आंसर इज बेडेलोवेब्रियो बैक्टीरिया डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नॉन एज बेडिलो बीलोब्रियो नॉट अ बैक्ट्रोफेज बैक्ट्रोफेज क्या होते हैं जो वायरस को इन्फेक्ट कर जो ऐसे वायरस जो, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बैक्ट्रोफेज होते हैं लेकिन बेडेलो वेब्रियो वो होंगे जो बैक्टेरिया बैक्टेरिया को इन्फेक्ट करता है ओके सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेडेलोवेब्रियो सो क्वेश्चन नंबर तीन इज इन ग्राम स्टेनिंग क्लायोबेक्टर सोज क्लायोबेक्टर क्या सोस करता है कौन सा कलर शो करता है तो क्लायो वेक्टर जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ये शो करेगा रेड कलर कलर ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर सो राइट आंसर इज वायलेट कलर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस दोसेसोज वेरिएबिलिटी इन प्लांट बैक्टीरिया नंबर ए इज ट्रांसफॉर्मेशन नंबर बी इज ट्रांसडक्शन नंबर सी इज कंजुगेशन एंड नंबर डी इज आल ऑफो तो प्लांट बैक्टीरिया में वेरेबिलिटी शो करते हैं तीनों ही प्रोसेस इसलिए आंसर इसका जो होगा वो डी होगा ऑल ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीयर इज कॉज्ड बाय विच बैक्टेरियल जीनेस फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर जो बैक्टीरिया की पहली बीमारी थी टीजे ब्रुल खोजा था से बैक्टीरिया के जीनस से होती है तो नंबर ए जेंटोमोनास नंबर बी स्यूडोमोनास नंबर सी इज राल रालिस्टोनिया नंबर डी इज इर्विनिया राइट आंसर इज इनिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल विल्ट ऑफ राइस इज अ सीड बोर्न डिसीज एक्सटर्नली सीड बोर्न इंटरनली सीड बोर्न सीड बोर्न ऑल ऑफ बैक्टीरियल विल्ट ऑफ राइस जो है यह कौन सी बोर्न डिसीज़ है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनली सीडबोर्न डिसीज क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियल सेल वाली लेकिंग इन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेलवाल होती है आपको पता है दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेलवाल में किसकी कमी होती है टेक्यूक एसिड ब्यूटेरिक एसिड मीमारिक एसिड एंड लिपिक एसिड लिपिड प्रोटीन तो राइट आंसर होगा इसके लिए टेच्युक एसिड टेच्युक एसिड जो होता है यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है क्वेश्चन नंबर एट है बैक्टीरियल सेल सेलवाल मेड विथ किससे बनी हुई है बैक्टीरिया सेल वाल किस किससे बनी हुई है तो इसका जो राइट right आंसर होगा होगा पेप्टिडोग्लाइकॉन पेप्टिडोग्लाइकॉन से से मिलकर बनी होती है बैक्टीरियल सेल सेलवाल और फंगस की जो सेल सेलवाल बनी होती है वो काइटिन और सेलरोज से मिलकर बनी होती है क्वेश्चन नंबर नाइन है विच इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया की कौन सी रेस्टिंग स्पेस कहलाती है ऊ स्पोर जू स्पोर्स इंडो स्पोर्स एस्को स्पोर्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडो स्पोर्ट इंडो स्पोर्ट जो होते हैं ये बैक्टीरियल की रेस्टिंग स्टेज होती है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया so किसने दिया था तो एफ हेरिल एफ जी बाउड टॉट एंड सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ने दी थी टर्म क्वेश्चन नंबर इलेवन है बैक्टीरिया आर मल्टीप्लाई बाय किसके द्वारा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं तो बडिंग के द्वारा या पैरासेक्सुअलिटी के द्वारा या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा तो जो बैक्टीरिया हमेशा बाइनरी फ्यूजन के द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं एक से दो दो से आठ आठ से सोलह चौंसठ जो भी होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज कम्पोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में कौन सा क्रोमोजोम में कौन सा डीएनए पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंड आरएनए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमेशा पाया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो यहाँ पर है फॉर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन सीड शुड बी गिवन अ हॉट वाटर ट्रीटमेंट एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन के कंट्रोल के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट कितने टेम्परेचर पर किया जाता है तो ये किया जाता है भैया फिफ्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस पर टेन मिनट्स के लिए दिस इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है बी डिलोविब्रियो किल्स जो एक बैक्टीरिया है जो अंदर बैक्टीरिया को मारता है तो कौन से बैक्टीरिया को मरता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, को तो है है किल नहीं करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर अंडर डिवीजन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से डिवीजन में आते हैं टेनेरिक्यूड्स फर्मिक्यूड्स मोलिक्यूड्स ग्रेसिलीड्स सो राइट आंसर जो होगा भैया ग्रेसिली होगा ग्रेसिली में आते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है द कॉनिडिया फॉर्मिंग बैक्टेरियल जीनसीज कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉनिडिया फॉर्म करता है वैसे कॉनिडिया आपको पता ही फंजाई करती है लेकिन बैक्टीरिया भी एक ऐसा है जो कॉनिडिया फॉर्म करता है कौन सा है एरवीनिया बेसिलसटोमाइकस स्ट्रे, या जेंथोमोनास सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेप्टोमाइकस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है द मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर जो मोस्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया का सेप uh, कैसा होता है कोकस रोड सेप्ड फिलामेंटस या प्लियोमोरफिक सो राइट आंसर इज रोड सेप्ड जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया मैक्सिमम रोड सेप्ड के होते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन इन सम बैक्टीरियल एज सिंगल और मल्टीपल कॉपीज ऑफ एडिशनल स्मॉलर सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल नॉन एज तो बैक्टीरिया में ऐसा एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिनमें भी अपना खुद का डीएनए होता है वो होता है प्लाज्मिट प्लाज्मिट के माध्यम से ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में चेंजेस लाते हैं जीन में इसलिए बैक्टीरिया का उपयोग हम करते हैं ई कोलाई रूप प्लाज्मिट के रूप में करते हैं तो राइट आंसर होगा प्लाज्मिट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है बैक्टीरिया विथ बंचेस ऑफ फ्लेजेला एट बोथ एंड ऑफ द सेल आर कॉल्ड तो बैक्टीरिया में आपको पता है फ्लैजिला पाई जाती है तो बैक्टीरिया के दोनों एंड पर ग्रुप पाए जाते हैं फ्लेजिला के तो कौन सा टाइप होगा पेरी ट्राइकस एम्पीट्राइकस लोफोट्राइकस मोनोट्राइकस तो बंचेज होगा जब भी बंचेज आएगा या ग्रेप के नुमा आकृति रहेगी तो उसका जो राइट आंसर रहेगा होगा लोफोट्राइकस वन एंड पर रहेगा बहुत एंड पर रहेगा तो लोफोट्राइकस कहलाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये द इंडोस्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो इंडो बनाता है तो इंडोज पर भी बताया था रेस्टिंग स्पोर्ट्स है ये इसका जो राइट आंसर वो हो होगा सॉरी जो राइट आंसर होगा ट्वेंटी का वो होगा हमारा बेसिलस बेसिलस जो है वो इंडो बनाते हैं तो राय क्वेश्चन है बैक्टीरियल विथ सेवरल फ्लेजिला अटैच्ड ऑल ओवर द सेल आर कॉल्ड तो सेल वाल की पूरी बॉडी पर अगर फ्लेजेला है तो यह कौन सा टाइप कहलाएगा तो यह कहलाएगा पेरिट्राइकस पेरिट्राइकस फ्लेजेला जो पूरी बॉडी पर पाया जाता है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, भी, भी तो ये कहलाएंगे हमारे पेरिट्राइकस जो इरविनिया में पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर बैक्टीरिया इज सल्फ़र बैक्टीरिया कौन से इसमें से तो फेरोबेसिलस इकोलाई थायोबेसिलस थडेंस या न्यूमोनोकोकस न्यूमोनी तो राइट आंसर इज थियोबेसिलस जब भी थियोबेलिस होगा इनको सल्फर बैक्टेरिया कहते हैं सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज सेवरल बैक्टीरिया लिबरेट प्रोटीनेसियस टॉक्सिंस नॉन एज प्लाजमिट एफ फैक्टर्स बैक्टीरियोसिन्स एंड सीडोरफोर्स सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बैक्टीरियोसिन्स सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस Very important video. Please like our video, share, subscribe, press the bell icon. Thank you very much.